अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे सर्दी हो गई है, मेरे मायके में का पानी मुझे लग गया है। तो ऐसा है तो यहाँ पे देख लीजिए, जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, वहाँ से मुझे ससुराल आना पड़ता है, तभी मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। मुझे पता नहीं कि अच्छा लगता है मुझे मेहंदी लगाना। वैसे भी कभी भी मैं जाऊँ ना मेरी अम्मी के घर, मैं आते टाइम मेहंदी लगा के ही आती हूँ वहाँ से, वो भी इस लड़की के हाथ से ही लगाती हूँ। अभी तो ये 8-9 महीने रहेगी, उसके बाद इसकी भी शादी हो जाएगी, पता नहीं किसके हाथ से लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। साथ ही साथ में ये नौकरी भी करती है, नौकरी मतलब ये बैंक में मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर होगी शायद। हाँ, तो अच्छा पढ़ी लिखी लड़की है ये, इसका नाम है सलमा। तो मैं आज नाम भी बता दे रही हूँ। तो मेहंदी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगाती है, हालांकि मैंने ऐसा डिज़ाइन लगा बोल के बोला था, तो मुझे ऐसा डिज़ाइन वो लगा रही थी। मुझे ऐसा वाला डिज़ाइन पसंद है, मतलब भरे भरे फूलों वाला। तो ये मेहंदी लगा रही थी, देखो कितना जल्दी जल्दी भी लगा रही थी, और हालांकि ज़्यादा बातें करते करते स्लो में लगा रही थी, मैं आपको फास्ट में दिखाई, लेकिन बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। हालांकि ये जाके सीखी नहीं, कुछ भी नहीं है, खुद से सीख के लगाती है। तो देख लीजिए ऐसा है। तो मैं अभी ये मेहंदी कल रात में लगाई थी ना, तो सुबह में मुझे आना था ससुराल को, अम्मा के पास आना था यहाँ पे। तो हम 8 दिन की छुट्टी लेके गए थे, 8 दिन की छुट्टी में 4 दिन अम्मी के पास रहे, 4 दिन यहाँ पे ये अम्मा के पास रहेंगे, फिर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर चले जाएंगे। तो ऐसा है, मुझे वहाँ पे ज़्यादातर ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि अम्मी के घर अपरूप से जाती हूँ ना, तो सभी के साथ बातें करने में लग जाती हूँ, तो ब्लॉग को साइड में रख दिया। और वैसे भी वहाँ पे ब्लॉग बनाते बेटी, तो 4 दिन के टाइम में मैं क्या ये करूँ, है ना, बातें करने को मिलता नहीं, सुख दुख पूछना सभी ऐसा रहता है। और मेरे काम के लिए भी गई थी मैं वहाँ पे खास करके, अभी ब्लॉग बनाते बेटी की, तो है ना उसे एडिटिंग करना है। और वहाँ पे जियो का नेटवर्क भी बहुत स्लो था, स्लो होने की वजह से है ना मुझे बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। वैसे भी मैं शॉर्ट वीडियो ऐसा डाल रही थी, और मैं मेरे अम्मी का घर का होम टूर भी करके लेके आई हूँ, वो भी डालूंगी अभी थोड़ी देर के बाद, या तो कल डालूंगी। तो ऐसा है, मेरी तबीयत भी यहाँ पे आने के बाद है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब पानी चेंज होता है ना इसकी वजह से, गले से आवाज़ भी नहीं आ रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हाथ को लगा चुकी है और दूसरे हाथ को मैंने बोला मुझे सिंपल लगा, मेरे को नहीं हो रहा, बोलने से ये सिंपल लगा, या तो नहीं तो वो है ना पूरे पूरे के पूरे हाथों में लगा देती थी दोनों साइड भी, मैंने मना करा उसको दोनों हाथों को नहीं लगाने का। तो मुझे ऐसा वाला सिंपल वाला भी बहुत पसंद है। तो ये देख लीजिए, ये सिंपल तरीके से जुड़ाई हो। तो आपको कौन सा हाथ का डिज़ाइन पसंद आया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो हालांकि ये जो बड़े बड़े फूल छुड़ाए हैं ना फर्स्ट में, फर्स्ट वाले हाथ को, वो बहुत अच्छे लगे थे। तो ऐसा है, ये मेहंदी लगाना भी एक मुश्किल है, लगे टाइम बहुत खूबसूरत लगती है, जाते टाइम बहुत गंदी तरीके से जाती है ना। वैसे भी ये पिछले सर लगाते हैं ना हम, ये बालों में सपड़ती है सुबह में, तो बहुत तकलीफ देती है। तो ऐसा है, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, बहुत क्या बहुत पसंद है मेहंदी और फूल। हालांकि आहिल के पापा को मेहंदी पसंद नहीं है, फूल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी आता है डिज़ाइन छुड़ाना, लेकिन ये जो सीधे हाथ को नहीं आता ना, इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ तो दोनों हाथों में लगा के आती हूँ। तो ऐसा है, तो आप ज़रूर बताना आपको कौन सा वाला हाथ में मेहंदी अच्छी लगी। मुझे तो दाएं दोनों भी पसंद आए, ख़ास करके दाएं हाथ की बहुत अच्छी पसंद आई मुझे, क्योंकि वो बड़े बड़े वाले फूल थे। और कौन कौन अम्मी के घर गए तो मेहंदी लगा के आते हैं ये भी ज़रूर बताना। पता नहीं अम्मी के घर में कुछ खास ऐसा ही कुछ अलग ही रहता है ना, जब भी जाते हैं वो कुछ अलग ही रहता है। तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं अम्मी के घर से आई हूँ कल यहाँ पे, तो घर बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन के लिए जाओ या 4 दिन के लिए जाओ या 1 वीक के लिए जाओ, आना ही पड़ता है अपने ससुराल, है ना, ये एक नियम है, पता नहीं कैसा नियम है, लेकिन आना पड़ता है बेटी को, कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी इसी को बोलते हैं ना। तो
थोड़े थोड़े बीच बीच में सलमा का मुंह भी दिख रहा था, पहले से बोल के बैठी थी आपा नहीं दिखने का, लेकिन दिखता है, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हाथ की मेहंदी और ये हाथ की मेहंदी देख लीजिए। रिंग उतारने की कोशिश कर रहे थे, रिंग उतर नहीं रही थी तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो जी कल एक अच्छे से व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।